अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इरफान रज़ा और मैं आपको बीएस ज़ूलॉजी में सब्जेक्ट अलजबरा एंड ट्रिगोनोमेट्री जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो बीएस में ज़ूलॉजी का जो मैथ है ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और ना ही ज़्यादा कोई मुश्किल है। इसमें मोस्टली तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो सारे मैट्रिक वाले ही हैं जो आपने मैट्रिक में पढ़े थे, कोई नए कंसेप्ट वगैरह इसमें ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह या अगर आप अच्छी तरह ये लेक्चर सुनते रहेंगे जो मैं लेक्चर आपको दिया करूँगा तो इंशाल्लाह आप आसानी से जो है अपने मैथ को जो कवर कर सकते हैं। आपका सिलेबस जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा सिलेबस आपका। इस सिलेबस में आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ मैट्रिक वाले हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स होंगे। तो आपने जो बुक्स लेनी है, बहुत सारी बुक्स आपको रिकमेंड की गई हैं आपके कोर्स कंटेंट में, तो आप जो बुक लीजिएगा वो बुक है आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक ले लीजिएगा, टेक्स्ट बुक जो पार्ट वन को पढ़ाई जाती है एफएससी या आईसीएस में। तो उस बुक से ये सारा आपका सिलेबस जो है पूरा हो जाएगा। तो आप किसी भी बुक स्टॉल से सिंपली ये टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट वन की ले सकते हैं। तो ये आज फर्स्ट लेक्चर हमारा जो आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारा टॉपिक उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के मुतालिक आप जो है वो काफ़ी कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा ये रिवाइज करवाना है ताकि आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो मैथ करने से पहले आप अपने पास एक कॉपी पेंसिल जरूर रखें ताकि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको साथ साथ जो है वो लिखते जाएं और आपको लेक्चर समझते हुए कोई जो है वो दिक्कत पेश ना आए। तो चलें शुरू करते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले नंबर्स के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से नंबर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और जो ये नंबर होते हैं 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये जितने भी नंबर हैं इन सबको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। आप जानते हैं जिसकी 10 बेस होती है, 10 बेस जो है स्टार्टिंग नंबर है 1, 2 सो ऑन, तो उसको हम नेचुरल नंबर का ही नाम देते हैं। उसके बाद सेकेंड आते हैं होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर ही की तरह के होते हैं, बस इसमें जीरो जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। अगर जीरो नेचुरल नंबर में एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो नेचुरल नंबर से होल नंबर में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जिसको हम अदद बोलते हैं, इंटीजर्स में इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं और इंटीजर भी रियल नंबर की तरह के होते हैं, बस इसमें ये चेंज है कि इसमें प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं। इसमें जीरो आएगा, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी नंबर हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं उसको हम इंटीजर्स कहते हैं। इस तरह नेगेटिव नंबर अगर आ जाएं जैसे रियल नंबर 1, 2, 3, इस तरह नेगेटिव 1, 2, 3, 4 आ जाएं तो वो भी इंटीजर होंगे मगर हम उसको जी डैश नेगेटिव इंटीजर का नाम देते हैं। जी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इसको जी पॉजिटिव लिख लें क्योंकि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो ये सिंपल जी ही है। अगर हम जी पॉजिटिव लिखेंगे तो सिर्फ इसके पॉजिटिव नंबर लिखे जाएंगे और जी डैश या जी नेगेटिव लिखेंगे तो उसके साथ नेगेटिव जो नंबर्स हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये नेगेटिव नंबर लिखे जाएंगे, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आप जानते हैं कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 पे डिवाइड किए जाते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। जो भी नंबर हैं ये सारे के सारे इवन नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। फिर आते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे आपके नेगेटिव जो है वो ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं हो रहे वो है 1, 3, 5। इवन ऑड नंबर के बाद नेक्स्ट आते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद पे ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 है ये खुद पे डिवाइड होता है और 3 है ये खुद पे डिवाइड हो सकता है, 5, 7, 11, 13 ये सारे नंबर खुद पे डिवाइड हो सकते हैं, इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं।
जैसे 4 है, 4 2 पे डिवाइड हो सकता है, वो प्राइम नंबर नहीं है. 6 वो 2 और 3 दोनों पे डिवाइड हो सकता है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है. 10 8 ये सारे नंबर जो हैं ये मुख्तलिफ नंबर पे भी डिवाइड हो सकते हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. प्राइम नंबर सिर्फ वही होंगे जो सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हैं. ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो हैं ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. और पी और क्यू जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है. और इसमें जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज है, ये जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया ये तो इन्फिनिट आ जाएगा और इन्फिनिट जो है वो शामिल नहीं होता इसमें. इसलिए पी और क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर. और इसी तरह इसके बिलक्स जो दूसरे हैं इरेशनल नंबर, उसको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं. और वो ऐसे नंबर हैं जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसके उलट है. ये पी क्यू है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, और ये पी और क्यू है मगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते, रैशनल नंबर का उल्ट होते हैं इरेशनल नंबर. तो इसमें भी वही है कि पी और क्यू जो है ये बिलोंग्स करेंगे इंटीजर्स को और क्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकता, तो इसको हम लिखेंगे रैशनल नंबर. फिर आते हैं रियल नंबर. रियल नंबर क्या है कि अगर हम रैशनल और इरेशनल दोनों को इकट्ठा कर लें, रैशनल और इरेशनल नंबर को दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, तो जो नए नंबर आते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर. रियल नंबर में हर तरह का नंबर पाया जाता है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, माइनस में हो, पॉजिटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, अंडर रूट्स में हो, किसी भी फॉर्म में आ जाए तो वो हमारा रियल नंबर कहलाएगा. ये तो सारे हमारे नंबर हैं जो हम नॉर्मल तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं इन मुख्तलिफ नंबर्स को. तो उसके बाद ये नंबर्स आप एक दफ़ा अच्छी तरह याद करेंगे तो ईजिली इंशाल्लाह आपको ये हो जाएंगे क्लियर, कोई मसला नहीं इसमें. नंबर्स के बाद आगे जो ये रैशनल नंबर है उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, डेसिमल फॉर्म में. आप जानते हैं कि जब भी दो वैल्यूज को डिवाइड किया जाए तो जो आंसर आएगा वो तो पॉइंट्स में आएगा. तो पॉइंट्स में जब दो वैल्यूज को करने से आएगा तो उसमें दो तरह के डेसिमल नंबर हो सकते हैं. ठीक है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं और एक होता है रिकरिंग डेसिमल नंबर. टर्मिनेटिंग और रिकरिंग दोनों ही डेसिमल नंबर हैं, पॉइंट्स वाले नंबर हैं, जो पॉइंट्स के बाद वैल्यूज आएंगी या कम या ज्यादा जैसे भी आएंगी वो हम पढ़ते हैं कि डेसिमल नंबर कौन से हैं. डेसिमल नंबर ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर जो है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर ऐसे नंबर होंगे जो पॉइंट्स के बाद फिनिट नंबर्स हो, पॉइंट्स के बाद जो उनके पार्ट्स हैं वो फिनिट हो. जैसे कि 0.25 है, देखिए 25 के बाद आगे कोई नंबर नहीं है, ये फिनिट है. इस तरह 0.125 है, इसके बाद भी कोई आगे ये कंटिन्यू नंबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है. या 202.04 है, ये भी फिनिट नंबर है, आगे कंटिन्यू नहीं है. इसलिए ये सारी एग्जांपल जो मैंने आपको लिखी है ये सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की हैं. ऐसे नंबर जो पॉइंट्स के बाद जिनके पार्ट्स हैं वो फिनिट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर. इसी तरह रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, ये भी पॉइंट्स के बाद नंबर जो है रिपीट होते हैं, एक जैसा नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा हो. जैसे 0.33333 है, तो ये एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और एक ही तरह का, क्योंकि 1.13 जो है 1 भी 3 है. अगर हम 1 डिवाइडिंग में 3 करेंगे तो जो आपके पास सोल्यूशन आएगा वो आएगा 0.33333 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, कंटिन्यू नंबर है. जैसे कि 0.5555, देखिए सेम नंबर है. ठीक है, तो सेम नंबर होना ये जरूरी है रिकरिंग डेसिमल नंबर के लिए, कि पॉइंट्स के बाद जो भी नंबर आए वो फिनिट टाइम होते हैं, मगर शर्त ये है कि वो सेम नंबर होगा. जैसे 0.555 है, ये 3 है. जैसे पॉइंट, ये भी जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स के बाद सिर्फ एक ही नंबर आए, जैसे 0.3 और 0.5 आ रहा है, जरूरी नहीं है. तो मसला कोई भी हो सकता है, जैसे कि 0.81 81 81 81. अब देखिए पॉइंट्स के बाद दो नंबर जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो दो नंबर ज़रा भी हो सकते हैं. जैसे ये 3 नंबर है, 0.125 125 125 125 123 123 है. तो इस तरह कोई भी नंबर जो है वो बार बार रिपीट किए जाएं तो उसको बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर. इसी तरह कोई और एग्जांपल भी ले लें, जैसा कि फर्स्ट के आपका आ गया 2.3. अक्सर 2.3 है तो इसके ऊपर अक्सर बार लगाया होता है कुछ बुक्स के अंदर, तो ये बार का मतलब होता है रिपीट करना. ये मतलब है कि 2.33 है,
ठीक है, जिसके ऊपर बार लगा हो तो बार का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट की जा रही है। कुछ बुक्स के अंदर उन्होंने इसके ऊपर डॉट लगाया होता है, जैसा कि फर्स्ट करें 5.6 ऊपर डॉट आ गया, तो ये डॉट का मतलब भी रिपीटिंग वैल्यू होती है, ये भी रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर है तो ये भी वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है। ठीक है, तो जिनके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट लगा दिया जाए या बार लगा दिया जाए वो वैल्यू रिपीट होती है और वो भी रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर ही कहलाती है, जो पॉइंट्स के बाद एक ही जैसी वैल्यू रिपीट हो रही होती है। अच्छा जी, ये टर्मिनेटिंग नंबर और रिकॉर्डिंग डेसिमल नंबर की तरह उल्ट भी इनके होते हैं, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिकॉर्डिंग नंबर ये जो हैं इन दोनों के उल्ट ही हैं। जैसे कि डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के नंबर हमने पढ़ा है कि हम पॉइंट्स के बाद जो वैल्यूज है वो फिनिट होती है और पॉइंट्स के बाद जो पार्ट्स हैं वो फिनिट होते हैं, वो कंटिन्यू नहीं होते। मगर इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर पॉइंट्स के बाद जो पार्ट्स होंगे वो कंटिन्यू होंगे, वो इन्फिनिट नंबर होंगे, जैसे कि 0.10, 0.11, 0.10, 0.11, 0.10 एंड टेट्रा 101 एंड सो ऑन। देखिए ये नंबर चलते जा रहे हैं और ये खत्म नहीं हो रहे, ये इन्फिनिट टाइम नंबर है, ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह जैसे 2.14, 1.21, 1.22, 1.22, 1.1 एंड सो ऑन, ये भी नंबर जो है ये चलते जा रहे हैं और ये भी नंबर जो है सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, जो पॉइंट्स के बाद कंटिन्यू रहें और खत्म ना हो। इसका उल्ट टर्मिनेटिंग का उल्ट कि ये पॉइंट्स के बाद फिनिट नंबर थे मगर ये पॉइंट्स के बाद इन्फिनिट नंबर है, तो इन दोनों में ये उल्ट है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग याद रखेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आपको खुद ही आ जाएंगे। और इस तरह रिकॉर्डिंग और नॉन रिकॉर्डिंग भी ऐसे है कि ये पॉइंट्स के बाद सेम नंबर होते हैं और इसमें के बाद पॉइंट के बाद सेम नंबर होना जरूरी नहीं है, ये कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर होगा तो वो तो ये रिकॉर्डिंग बन जाएगा और जो ना सेम होगा तो वो फिर ये रिकॉर्डिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बन जाएंगे। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकॉर्डिंग है ये रैशनल नंबर होते हैं, जब आप रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर आएंगे, और जब आप इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, इरेशनल नंबर को जैसे हल करेंगे, जैसे कि अंडर रूट 2 है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हल करेंगे इसको आंसर भी जो है वो अंडर रूट 2 है जो कंटिन्यू रहेगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ये पॉइंट्स के बाद वैल्यू जो है वो कंटिन्यू रहेगी, ये सारा हमारे पास इरेशनल है। या अंडर रूट 3 लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें, अंडर रूट के अंदर जो ये वैल्यूज हैं ये सारी की सारी जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकॉर्डिंग नंबर ही होंगे। जैसे पाई है, पाई होती है 3.1415, तो ये पाई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर में काउंट किया जाता है, ये रैशनल नंबर नहीं है। आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, 22/7 जो वैल्यूज होती है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बताई गई है ताकि स्टूडेंट्स को आसानी से याद रहे, वरना इसकी ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है 22/7। असल जो है इसकी वैल्यू 3.1415 और 9.2 एंड सो ऑन ये है, क्योंकि अगर हम 22/7 करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू तो बिल्कुल नहीं आती, ये इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आती है 22/7, तो इसलिए ये 22/7 जो है ये रैशनल नंबर में काउंट नहीं होगा, ये इरैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि ये हमारे पास फर्जी कीमत है, ये इसकी असल कीमत नहीं होती। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये मैंने आपको बता दी हैं कि नंबर सिस्टम जो है उसमें इनिशियल नंबर जो थे वो मैंने बता दी कि नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये सारे नंबर जो है वो देखिएगा, और उसके बाद रैशनल नंबर को हम जब हल करते हैं डेसिमल फॉर्म में तो उसको किस किस तरह जो है वो हल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं इससे आगे कि हमारे पास अब जो रियल नंबर है उसको हम मजीद अब डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कौन सी है और रियल नंबर की इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह ये अगले ही वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट बनाया है इसका, फर्स्ट वीडियो का, तो फर्स्ट लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इनके रियल नंबर में प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी की प्रॉपर्टी कौन सी है। तब तक के लिए